हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री सुखराम विशोई, वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम विशोई एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। इस दौरान सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला प्रभारी ने सुखराम विशोई ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने के साथ ही पेयजल, बिजली एवं चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तृत से चर्चा की। इस दौरान सरहदी बाड़मेर जिले में कोविड की तीसरी लहर को अधिकारियों को उचित निर्देश देकर वैक्सीनेशन करवाने पर जोर देने की बात कही। बैठक में शिव विधायक अमीन खान, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित सभी विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सुखराम विशोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार में सब ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाड़मेर में प्रभारी मंत्री की आयोजित बैठक में महज दो विधायक ही पहुंचे। इससे पूर्व मंत्री सुखराम विशोई ने जन सुनवाई कर आम जन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सुखराम विशोई, प्रभारी वन एवं पर्यावरण मंत्री, इन्होंने ये कहा। माननीय मुख्यमंत्री निर्देश समीक्षा बैठक होती जिले में, तमाम अधिकारी, प्रधानगण, जनप्रति, एमएलए साहिबान सब बैठ करके जो लोगों की समस्याएं हैं, नए काम क्या हुए, क्या चाहते हैं, उनकी समीक्षा होती है। क्या अधिकारी दिशा निर्देश दिए, किस तरीके की लोगों की आपके पास पानी की, बिजली की, सड़क के, जो भी लोगों की समस्या आई, जो जानकारी कमी जनप्रतिनिधि बात रखी, उनका समाधान करने के निर्देश दिए। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।